ये बर्फी सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे सेवई की टेस्टी सॉफ्ट बर्फी। आपने हमेशा सेवई की थोड़ी क्रंची वाली या थोड़ी हार्ड वाली बर्फी ही खाई होगी। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे ये बर्फी सॉफ्ट बनेगी। चलिए देखते हैं सेवई की सॉफ्ट बर्फी कैसे बनाते हैं। महीन वाली सेवई ले लीजिए। हाथों की मदद से इसे क्रश कर लेना है, एकदम महीन टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस तरह से हाथों से क्रश कर लीजिए, जितना महीन कर सकते हैं उतना अच्छा है, पर थोड़े से रेशे रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे बिना भुनी सेवई ली है। आप भुनी हुई जो रोस्टेड सेवई मार्केट में आती है थोड़ी सी रेडिश कलर की, वो भी ले सकते हैं। आपको फिर फर्स्ट स्टेप अवॉइड करनी होगी। ग्रेटेड नारियल, पिस्ता, बादाम, काजू लगभग ये हाफ कप है। इन्हें थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करके रख लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट आपको थोड़े से स्लाइस करके रख लेने हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल दीजिए। घी मेल्ट हो जाने के बाद क्रश की हुई सेवई डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन या फिर रेडिश कलर होने तक भून लेना है। अगर आपने रोस्टेड सेवई ली है तो 1 चम्मच घी डालिए और गर्म होने तक ही सेवई को भून लेना है। सेवई इस कलर की हो जानी चाहिए। अब इसमें ग्राइंड या फिर क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। इन्हें भी 1 से 1.5 मिनट भून लेना है सेवई के साथ में ही। लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में सेवई अच्छे से भुन जाएगी। इसके बाद में 1/4 कप पानी लीजिए और इस तरह से छींटे मारते जाइए और चलाते जाइए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। इस समय ध्यान से डालें, थोड़ी सी भाप उड़ती है तो थोड़ा सा गर्म लग सकता है। इस तरह डालते जाना है। लगभग 1/4 कप पानी इसमें डाल देना है, पर पानी एकदम से ना डालें इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। अगर आप पानी एकदम से डाल देंगे तो ये सेवई की जैसी गीली हो जाएगी। हमें उतनी गीली नहीं चाहिए। इस तरह से पानी के छिट्टे मारने से सेवई बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। पानी के बदले आप दूध भी डाल सकते हैं इस समय, पर मैंने पानी ही डाला है। सेवई में पानी डालने से सेवई थोड़ी सी फूल भी जाती है। इसके बाद इसमें डाल दीजिए हरी इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप डाला है। थोड़ा सा कम मीठा हुआ है, पर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और डाल सकते हैं। फ्लेम को इस समय लो कर दीजिए, लगातार चलाते रहिए। पूरी सेवई और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिल जाना चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल जाने के बाद फ्लेम बंद कर देना है। कंडेंस मिल्क आप मार्केट का भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाने के बाद एक प्लेट में या ट्रे में घी लगा के इसे घी से ग्रीस कर दीजिए। अब इसमें पलट दीजिए इस बैटर को। इस प्रोसेस को आपको गर्म सेवई में ही करना है, नहीं तो सेवई जल्दी से जम जाएगी। देखिए, इस तरह से चिकना कर लेना है इस स्पैचुला या फिर कटोरी की मदद से। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और फिर से इसे थोड़ा सा दबा दीजिए। ड्राई फ्रूट अच्छे से चिपक जाएंगे। इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद तुरंत ही इसमें कट के निशान लगा लीजिए। बाद में अगर लगाएंगे तो सेवई थोड़ी सी इधर उधर गिरने लगती है, इसलिए पहले ही लगा लीजिए और 3 से 4 मिनट ठंडा होने दीजिए और अनमोल्ड कर लीजिए। बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाएगी क्योंकि हमने घी लगाया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। चलिए इसे अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ और तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बनी है। वाओ, देखने में जितनी टेस्टी दिख रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है और सॉफ्ट भी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आप इसे कब बना रहे हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ रेसिपी लिंक को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।